कि अनेक दिनों से भारतवर्ष में और खासकर हरियाणा में किसान आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 कानून बनाए और तीनों कानून किसानों के हित में बनाए। अब हमारा देश बाबा अंबेडकर उनका जो संविधान है उसके हिसाब से चलता है। अब एक तो विषय ये है कि हम ये कहें कि तीनों कानून सही हैं, हम ये कहते हैं कि हमने इसमें किसानों को व्यापारी बनाने की कोशिश की है, हम ये कहें कि हमने किसानों को इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश की है, हम ये कहें कि हमने किसानों को हर तरह से एक फ़ायदा देने का, ताकि हमारा किसान, जब तक किसान किसी देश में फलेगा फूलेगा नहीं तो उस देश की तरक्की नहीं हो सकती, उस हित में हमने ये 3 कानून बनाए। अब ये 3 कानून अच्छे हैं या ठीक नहीं हैं ये एक अलग विषय है, ये भी विषय मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर किसी भाई को ये कानून पसंद नहीं भी है तो ये लोकतांत्रिक, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के नाते कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ कहीं भी कैसे भी उठा सकता है, लेकिन उसमें भी एक कैप है, उस स्वतंत्रता का, कोई भी बात उठाने की स्वतंत्रता में एक कैप है कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना। कल की जो बात है, कल मैं जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का था, वहाँ हमने कुछ पूरे प्रदेश से विस्तारक बुलाए हुए थे, तो उनकी मीटिंग लेकर मेरा अचानक प्रोग्राम बन गया PWD रेस्ट हाउस में जाने का। वहाँ मैंने एक दो कार्यकर्ताओं को बुला रखा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी इलेक्शन जो एलनाबाद का डिक्लेयर हुआ है उसमें भी सह प्रभारी के नाते है, तो उस इलेक्शन की स्ट्रेटजी के नाते मैंने 2 लोगों को वहाँ बुलाया हुआ था, और वो भी गाड़ी में बैठ कर ही मैंने बुलाया कि मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं भी पहुँच जाता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ बंधु मीटिंग कर रहे थे, उनको किसी को पता लगा कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वो बाहर आ गए, वो 40-50 लोग थे, और उन सब ने आओ देखा ना ताओ मुझे घेर कर, किसी ने कहा कि हमने डॉक्टर साहब को बंधक बना लिया, और भी ऊंची ऊंची आवाज़ में अनेक प्रकार के नारे, काले झंडे, और उन्होंने मुझे मैन हैंडल करने की कोशिश की, और कोई छुटमुट में उन्होंने किया भी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, आप इतने लोग हैं, और अगर आप इतने लोग ये सोचते हैं कि आप मुझे अकेले को देखकर मुझे दबा लेंगे तो ये आपकी गलती है। मैं भी लोकतंत्र में एक विधानसभा से लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, आप सब बैठिए, एक आदमी बात करिए तो मैं बात करूँ। लेकिन उन्होंने कोई भी बात सुनने के बिना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और अनेक प्रकार की अभद्र बातें की, और कुछ लोगों ने तो मेरा जो पहना हुआ कुर्ता था वो भी फाड़ा, और वो भी बड़े चोरी ढंग से। अगर कोई वीडियो आपके पास पहुंची होगी तो उसमें भी आपको पता लगेगा, वो भी पीछे से हाथ पकड़ के और कुर्ता खींच के ऐसे, मतलब पाड़ के। मैंने उस भाई से कहा, मैं कहा भाई कुर्ता पाड़ रहा है तो सामने से पार, कुर्ता पाड़ने में भी तेरे को चोरी क्यों करनी पड़ रही है। तो कहने लगे कि जी आप हॉल में आ जाओ। मैंने कहा हॉल में आने की क्या आवश्यकता है। फिर उनमें से एक आधा कोई समझदार भाई भी था तो उसने कहा जी ठीक है, हम 2 व्यक्ति आपसे बात करेंगे। मैंने कहा मैं कमरा खुलवा लेता हूँ, आप उसमें आ जाइए। तो बोले जी चलो। जब मैं चलने लगा तो वो चेन बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, आपको हाल में ही घुसेड़ेंगे हम। मैंने कहा वो जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती की बात तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस तरह की बातें चलती रही। बाद में फिर मैं एक कमरे में जाकर बैठा, तो इतने में फिर वहाँ पुलिस आ गई, और पुलिस ने मुझे कवर करके वहाँ से निकालने का जो प्रयास किया, और जब मैं गाड़ी में बैठा तो कुछ लोग हमारी गाड़ी के आगे आकर बैठ गए। तो इस तरह का उड़ढंग, इस तरह का
असामाजिक तत्व मैं कहूँगा, इसको मैं किसान नहीं कह सकता किसी भी सूरत में। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसानों के लिए हमने 6,000 रुपये की सम्मान राशि की भी बात की है, हमने सॉयल हेल्थ कार्ड की भी बात की है, हमने जो फसल का मुआवजा जो होता है वो भी हमने 12,000 रुपये तक देने की बात की है, फसल के बीमे की भी बात की है। और ये तीनों कृषि कानून बड़ी सिंपल सी, एक मिनट में मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ, कि हमने कहा है कि किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार है। हमने उनको कहा कि आप कहीं भी बेचो, हालांकि वो फसल अपनी पहले भी बाहर बेचते थे, लेकिन उस समय उनको कोई ना कोई अफसर जाकर तंग करता था, उनको रोकता था कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो हमने उसको इस चीज़ का अधिकार दिया, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार दिया। हमारा कहना ये है कि अगर आपको ये तीनों कानून पसंद नहीं है, आप कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 1.5 साल तक हम इस कानून को, इसको नहीं लगाया जाएगा, और हमारी सरकार ने ये मान भी लिया कि हम 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड कर लेते हैं। जब एक केस कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद उस कानून को स्टे मिला 1.5 साल का, गवर्नमेंट ने उसको मान लिया, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, उसके बाद आंदोलन का क्या मतलब? और उसके बाद भी अगर आप आंदोलन करें तो करिए, कौन रोकता है आपको? मेरा आप सब भाइयों के माध्यम से, सब भाइयों को जो इस तरह के भ्रम में हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ मैं, कि जो कानून बने हैं वो 100% सही बने हैं, और किसी वजह से कोई भाई इनसे सहमत नहीं है तो वो इन कानूनों को ना माने। मैं उदाहरण के तौर पर ये कहता हूँ कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूँ कि भाई मैं तो आपको तैरना सिखाता हूँ, और तैरना सिखाने में अब आपको कोई भड़का दे कि तैरना सीखोगे तो आप डूब जाओगे, अरे भाई वैसे तो डूबने का कोई चांस नहीं है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप डूबने से इतना डरते हैं, आपको हम जैकेट भी दे रहे हैं, आपको हम कोच भी दे रहे हैं, ये सब सुविधाएं देने के बाद भी हमने आपको एक विकल्प दिया है कि आप तैरना सीख लें, फिर भी आप नहीं सीखना चाहते तो ये विकल्प है, ना सीखें। आपको खुले में अनाज बेचना अगर ठीक नहीं लगता, आप ना बेचें। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाने की चिंता है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें। मेरा समझाने का एक और भी तरीका है कि एक व्यक्ति है, उसके पास 20 बीघे जमीन है, उसके 4 बच्चे हो गए, और फिर उनके 4-4 बच्चे हो गए, उस परिवार में 20 लोग और हो गए। अगर वो केवल अपनी फार्मिंग करेंगे तो 21 लोगों का निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम ये कहते हैं कि उनमें से 8-10 जो बच्चे हैं वो फसल को लेकर गलियों में बेचे ना। टमाटर 2 रुपये किलो अगर आप मंडी में देते हैं और रेडी पर ले जाकर अगर आप बेचेंगे तो वो 40 रुपये किलो बिकेगा। आपके घर में इतनी बहुएं हैं, इतनी बेटियां हैं, आलू है, आलू आपका 2-3-4 रुपये मंडी में बिकता है, लेकिन अगर आप उसको बॉयल करके उसकी चिप्स बनाकर बेचेंगे, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे, तो आपको आलू चिप्स बेचने में वो आपका 100 रुपये किलो, 150 रुपये, 200 रुपये किलो बिकेगा। थोड़ा सा अडानी और ये जो अंबानी हैं, ये जिस रेट में बेच रहे हैं, आप इससे थोड़ा सा कम रेट में बेचोगे, हम आज भी हमारे घर में जो आलू चिप्स बनकर तलता है उसको खाना पसंद करते हैं, बाजार से जो पैकेज में आता है उसको खाना पसंद नहीं करते, और उन दोनों के रेट में कितना अंतर है। आप सॉस बनाइए ना, आप पापड़ बनाइए, आप 100 तरह की चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, यही हमारा इन तीन कानूनों का मतलब है। और सबके बाद मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 21 आदमी आप खेती में गुजारा करिए, आपको भूखे रहने का शौक है तो आप रहिए, कौन मना करता है। हमने विकल्प के रूप में ये तीन कानून दिए हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उठाइए, लेकिन ये जो अभद्रता है, आप चुने हुए लोगों को कहीं जाने नहीं देते, कहीं मिलने नहीं देते, और कहीं आप जब बदतमीजी और बदमाशी करते हैं और जब आपके ऊपर लाठीचार्ज होती है तो आप ह्यूमन क्राई क्रिएट करते हैं। मैं आपके माध्यम से सबको उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी बचपन में खूब खेले हैं, और हमने हर तरह की
चीजें सीखी हुई भी हैं। तो इस तरह से हमें कोई कमजोर ना समझे। अगर कोई क्या सीखा सर? सब कुछ सीखा है हमने। जैसे अभी एक बयान आया उसके पीछे हमने जी, हमने कराटे भी सीखे हैं। हाँ, हमने सब कुछ सीखा है। हाँ, और सेल्फ डिफेंस में अगर कोई हमसे बदतमीजी करेगा तो वो उसी समय हमसे मार भी खाएगा। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ।